हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी हम जा रहे हैं पूरा तीर्थ टेम्पल। इससे पहले हमने अलास हरम विजिट किया था, जिसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमने प्रीवियस वीडियो में दी है। आप हमारा वो वीडियो भी हमारे चैनल में देख सकते हैं। तीर्थम्पल टेम्पल एक हिंदू बालीनीज वाटर टेम्पल है, जो बाली के टेम्पाक्सिरिंग एरिया में लोकेटेड है। अलास हरम से इसका डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 6 किलोमीटर है और हमें लगभग 15 मिनट यहाँ पहुँचने में लगेंगे। अलास हरम एक्सप्लोर करने के बाद हम जा रहे हैं तीर्थम्पल टेम्पल, तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं तीर्थम्पल टेम्पल और देते हैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन। पहुंच गए हैं तीर्थम्पल टेम्पल में और यहाँ की एंट्री फीस है 50,000 IDR पर पर्सन। सो हमने 2 टिकट ले ली है और हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं इस टेम्पल को। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं टेम्पल कैसा है। पूरा तीर्थ टेम्पल मीन्स होली वाटर टेम्पल और पवित्र जल मंदिर, और ये मंदिर भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है। तीर्थम्पल टेम्पल एस्टैब्लिश हुआ था 962 AD में और ये टेम्पल मेनली फेमस है नेचुरल वाटर स्प्रिंग के लिए। ये इस टेम्पल का मेन एंट्रेंस है और बेसिकली ये टेम्पल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आपको मेन टेम्पल तक पहुंचने के लिए 5 to 10 मिनट्स का वॉक करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ लोग आपको ऐसे बनाना फोर्सफुली ऑफर करते हुए दिखेंगे और फिर आपसे पैसे मांगेंगे, तो अगर आपको चाहिए तो ही लेना, अदरवाइज उन्हें क्लियरली आप ना बोल देना। जैसे ही आप थोड़ा आगे आएंगे आपको एक सराउंड का काउंटर मिलेगा जो आपको लेना होगा। हमें इस तरह का कुछ सराउंड टाइप का मिलता है जो हमें पहनना पड़ता है। अगर आपने नी से ऊपर कपड़े पहने हैं तो ये पहनना आपके लिए मस्ट है, तो हमने ये पहन लिया है। चलिए अब अंदर चलते हैं। इस टेम्पल में सरोंग पहनना मस्ट है। आप यहाँ टेम्पल से ही सरोंग ले सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और यूज़ करने के बाद आपको ये वापस करना होगा। अगर आप यहाँ से सरोंग नहीं लेना चाहते तो अपना सरोंग भी कैरी कर सकते हैं। तो चलिए आप टेम्पल के अंदर चलते हैं। ये इस टेम्पल का फर्स्ट पार्ट है, जिसे कहा जाता है जबापुरा या फ्रंट यार्ड, जहाँ पर भगवान को ऑफरिंग दी जाती है। तीर्थम्पल टेम्पल के अंदर एक नेचुरल होली स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग में क्लिंजिंग सेरेमनी करने से पहले यहाँ पर प्रे किया जाता है। होली वाटर में क्लिंजिंग सेरेमनी करने के लिए स्पेशल ड्रेस कोड होता है, जिसे आपको रेंट करना होगा, और इस ड्रेस को रेंट करने के लिए आपको 10,000 IDR पर पर्सन देना होगा, और साथ में अपना सामान रखने के लिए आप 15,000 IDR पे करके लॉकर भी ले सकते हैं। और यहाँ पर चेंजिंग रूम भी बनाया गया है, जहाँ पर आप अपना ड्रेस चेंज कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों का ड्रेस कोड सेम है। इस स्पेशल ड्रेस का कलर ग्रीन होता है और साथ में वो आपको एक रेड कलर का क्लोथ देंगे, जिसे आपको अपनी वेस्ट में टाई करना होता है। सो हमने भी ड्रेस चेंज कर लिए और होली वाटर में स्नान करने के लिए क्यू में लग गए हैं। ये इस टेम्पल का सेकेंड पार्ट है, जिसे जबा तेंगा या सेंट्रल यार्ड बोला जाता है, और यहाँ पर है होली वाटर स्प्रिंग, जहाँ पर क्लिंजिंग सेरेमनी होती है। इस कंपाउंड में बाथिंग स्ट्रक्चर बनाया गया है, जिसे पैतीर्थन बोला जाता है। बालिनीज हिंदू कल्चर में प्यूरिफिकेशन रिचुअल को मेलुकट कहा जाता है, और यहाँ पर 13 फाउंटेन के साथ 2 पूल हैं, और हर एक फाउंटेन का एक डिफरेंट मीनिंग है। डिपेंड करता है आप किसके लिए प्रे कर रहे हैं, जैसे सक्सेस के लिए, गुड हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए या प्रॉस्पेरिटी के लिए। 1 by 1 आपको यहाँ लाइन से हर एक फाउंटेन में डिप करना है। आप किसी भी रैंडम फाउंटेन में नहीं जा सकते, लाइन से ही आपको जाना है। फर्स्ट एंड लास्ट फाउंटेन को आपको छोड़ना है, क्योंकि वो पॉइजन को रिप्रेजेंट करते हैं। इस टेम्पल का टाइमिंग है 8 AM to 6 PM। अगर आपको क्लिंजिंग सेरेमनी करना है तो हम रिकमेंड करेंगे आप यहाँ थोड़ा जल्दी आएँ।
क्लिंजिंग सेरेमनी करने के बाद हम जा रहे हैं इस टेंपल के थर्ड पार्ट को विजिट करने। यहाँ एंट्री करने से पहले हेयर टाई करना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास रबर बैंड नहीं है हेयर टाई करने के लिए, तो वो आपको रबर बैंड भी देंगे। आप बस रबर बैंड लेके हेयर टाई कर सकते हैं। यहाँ पर एंट्री करते ही हमने सबसे पहले शिव जी के दर्शन किए, और बाली में शिव टेंपल को शिवालिंगा टेंपल बोला जाता है। ये है इस टेंपल का थर्ड पार्ट, जिसे कहा जाता है जेरोन या इनर यार्ड, और यहाँ है मेन होली स्प्रिंग सोर्स। यहीं से सारे फाउंटेन में पानी जाता है जहाँ क्लिंजिंग सेरेमनी होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस स्प्रिंग के पीछे एक मिथ है। भगवान इंद्र और विष्णु के बीच युद्ध हुआ क्योंकि इंद्र भगवान पानी में पॉइजन मिक्स कर रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों की डेथ हो रही थी, और विष्णु भगवान को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। फिर भगवान विष्णु नीचे धरती पर आए और इंद्र देवता से लड़ाई की। विष्णु भगवान ने अपनी तलवार जमीन पर बहुत जोर से रखी, जिसकी वजह से ये स्प्रिंग क्रिएट हुआ। ऐसा माना जाता है कि ये वाटर बहुत ही पवित्र है और इससे पॉइजन क्लीन होता है। ये वाटर स्प्रिंग कभी भी ड्राई आउट नहीं होता, और ऐसा कहा जाता है कि अगर ये वाटर ड्राई आउट हो गया तो बाली पूरा खत्म हो जाएगा। थोड़ी ही दूर पर आपको एक और पॉइंट मिलेगा, जहां पर बहुत सारी गोल्डन फिश आपको देखने को मिलेंगी। आप इन्हें खाना खिला सकते हैं, जिसके लिए आपको 5000 IDR पे करना होगा। यहाँ पर एक मार्केट भी है जहाँ आप शॉपिंग कर सकते हैं। हम यहाँ शॉपिंग नहीं कर पाए क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी, और हम वापस हमारे होटल चले गए। हमारा यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग एंड डिफरेंट था। अभी हमें उबुद मार्केट में, ये मार्केट काफी बड़ा है और यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। स्पेशली आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंडमेड चीजें देखने को मिलेंगी। ये मार्केट बहुत कॉस्टली है, अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल बहुत अच्छी है तो ही यहाँ आइएगा, क्योंकि यहाँ बहुत बार्गेनिंग होती है। हमने यहाँ से कुछ शॉपिंग की है, जिसे हम आपको बाली शॉपिंग हॉल वीडियो में दिखाएंगे। इस मार्केट में शॉपिंग करके आप बाली के रिच कल्चर को और क्राफ्ट्समैनशिप को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, फ्रॉम ट्रेडिशनल बालनीज हैंडीक्राफ्ट्स टू क्लोथ्स, ज्वेलरी और भी बहुत कुछ। ये है ट्रेडिशनल बालिनीज बोरांग डांस, जो कि आपको बाली के कई एरियाज में देखने को मिलेगा। इस डांस में बेसिकली अच्छाई की बुराई पर जीत दिखाई जाती है, और ये बाली का बहुत पुराना डांस फॉर्म है। अगर आप बाली जा रहे हैं तो इस डांस को ज़रूर एक्सपीरियंस करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।